बरेली सैटेलाइट पर रोडवेज की बस से युवक की दबने से मौत हो गई। इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसको लेकर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी की युवा महानगर अध्यक्ष सईद शिवतैनी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। आरएसी के प्रवक्ता अब्दुल हलीम खान ने बताया, दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को विशाल मिश्रा नामक युवा की रोडवेज बस के द्वारा भयानक दुर्घटना हुई। इसका पहिया छात्र के सर से कुचलती हुई आगे बढ़ी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। जिसका मुख्य कारण सैटेलाइट बस स्टैंड पर अवैध रूप से फल वालों की दुकान है व ठेले तथा चाय तथा पान के खोके हैं। रोडवेज कर्मचारियों का पुलिस की मिली भगत से यह लोग पूरी रोड पर फलों का ठेला लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती है, जिसका अंजाम हम सभी लोगों ने देखा। विशाल मिश्रा, जो कि घर का अकेला चिराग था, वह चिराग हमेशा के लिए बुझ गया शासन प्रशासन की लापरवाही से। इस तरह का मामला शहादाना चौराहे से जाटापुरा चौराहा तक अवैध रूप से सरकारी जमीन पर ट्रांसपोर्टरों ने अपने अपने वाहनों को खड़ा किया हुआ है, जिससे कि रोड पर चलने वाले मुसाफिरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी आए दिन दुर्घटना होती रहती है। बड़े बड़े वाहनों को रोडवेज पर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे जाम की समस्या बनी रहती है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जा चुका है। उसके बाद भी ट्रांसपोर्टर अपनी वाहनों को शहदाना एरिया में खड़ा करते हैं, इसीलिए जाम लगा रहता है और दुर्घटनाएं होती रहती। जी, मेरा नाम अब्दुल हलीम खान है, ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का प्रवक्ता हूँ। जी, मामला ये है कि 12/10/2022 को सैटेलाइट बस स्टैंड पे एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें विशाल नामक व्यक्ति की मौके पर ही डेथ हो गई थी। उसके सर के ऊपर से रोडवेज की बस उतर गई थी। वहाँ का जो ये एक्सीडेंट हुआ उसका मुख्य कारण है, वहाँ पे शासन और प्रशासन दोनों की ही निगरानी में एक चौकी है, पुलिस चौकी बिल्कुल सामने, उसके सामने बेतरकीब ठेले खड़े होते हैं फलों के, जिसकी वजह से इस दुर्घटना का कारण बना। और वहाँ पर पूरा रोड घेर करके खानापुरी वाले बस क्या कहते हैं फल वाले ठेला खड़ा करते हैं, जिसमें ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है ना शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करता है। इसी को देखते हुए एक और सहमतगंज से सैदाना पुलिया से लेकर के और चौराहे तक, जाटापुरा चौराहे तक बेतरकीब ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ पे, वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को लोड अनलोड करते हैं वहाँ रोड पे खड़ा करके, जिससे वहाँ पे आम आदमी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर के आज ज्ञापन, एक डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि इस तरह की जो अव्यवस्था बरेली, पूरे बरेली शहर में फैली हुई है, जगह जगह गड्ढे और उसके ऊपर से ट्रांसपोर्टर ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, जिससे आए दिन जो है दुर्घटना होती रहती है। इसी को देखते हुए किसी घर का एक चिराग जो है, इकलौता बेटा था विशाल मिश्रा, जिसकी मौके पर डेथ हुई है, इसी को लेकर के आज गुफ्तगू करनी है डीएम साहब से और हम लोग आए हुए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।